हे फैमिली, आज मैं आपके लिए लाई हूँ सर्दियों के मौसम में बनाए जाने वाले लड्डू की रेसिपी। तो ये लड्डू जो है गोंद के लड्डू नहीं होने वाले हैं। ये हम बनाएंगे बेसिक से इंग्रेडिएंट्स डाल करके एकदम स्पेशल विंटर स्टाइल वाले लड्डू, जिसे हम ड्राई फ्रूट लड्डू भी कह सकते हैं। और खाने में ये इतने लाजवाब होते हैं ना कि आप इनको पूरे महीने 2 महीने भी स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। और मेज़रमेंट अगर आप पक्का रखेंगे ना, एकदम परफेक्ट वाला, जिस मेज़रमेंट के साथ मैंने आपको बताया है, तो आपके लड्डू ना ही ठंडे होने के बाद एकदम कड़क पत्थर जैसे होंगे, एकदम सॉफ्ट रहेंगे। और लड्डू ना ऐसे बनते हैं कि मतलब मानो आप जैसे ही मुंह पे डालेंगे ना, तो ये एकदम घुल जाते हैं। बिल्कुल भी यहाँ पर टाइम नहीं लगता है, और मतलब इसको पकाने में टाइम भी नहीं लगता, इनको बनाने में भी टाइम नहीं लगता है। प्लस जैसे ही बना करके हमारे घर में तो रखते हैं ना, वैसे के वैसे ही डब्बा ख़त्म हो जाता है। तो ये है स्पेशली मेरी दादी और मम्मी की रेसिपी, जो कि पहले दादी ने मम्मी को सिखाई थी, मम्मी ने मुझे सिखाई। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं ये लड्डू। तो इसके लिए ना आपको सिर्फ़ और सिर्फ लेना है यहाँ पर गुड़, क्योंकि इसको चीनी में नहीं सिर्फ और सिर्फ गुड़ में बनाएंगे। तो यहाँ पर मेज़रमेंट है 500 ग्राम के करीबन मैंने गुड़ लिया है। तो गुड़ ये देसी गुड़ है जो नॉर्मली हमें मिल जाता है। अगर आप गुड़ नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो आप नॉर्मली जो खांड होती है आप उससे भी लड्डू को तैयार कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ना बेसिक से जो ये है इसको ना हल्का सा मतलब काट लिया है चक्कू से। तो गुड़ को पहले मैंने ना अच्छी तरीके से थोड़ा सा धूप में रख दिया था, ताकि ये थोड़ा नॉर्मल हो जाए रूम टेम्परेचर पे। उसके बाद क्या होता है ना, ये चाकू से आराम से ईजिली कट हो जाते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, क्योंकि अगर एकदम आप पूरा का पूरा जो है पीस डाल देंगे ना, तो उसकी चाशनी अच्छी नहीं बनती है। तो यहाँ पर ना मैंने सारे गुड़ को ना एकदम नॉर्मल चॉप कर लिया है। तो इसको इस तरीके से आपको चॉप करके ना प्लेट में साइड कर देना है। इससे एक तरीके से ये होता है कि मेज़रमेंट हो जाता है गुड़ का, और इससे हमें पता भी चल जाता है कि हमने कितनी क्वांटिटी में गुड़ लिया है। तो अगर आपको पीसीस से अंदाज ना हो ना, तो आप इस तरीके से भी इसको मेज़र कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम निकालेंगे ड्राई फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट्स में जैसे हम ड्राई फ्रूट लड्डू बना रहे हैं, तो आपके कोई से भी फेवरेट हो तो उसकी क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं। जैसे कि मुझे ना बादाम की क्वांटिटी मतलब बादाम का टेस्ट ज़्यादा पसंद है, तो मैं ज़्यादा बादाम यूज़ करूँगी। तो बाकी अगर आपको नॉर्मली सारे ड्राई फ्रूट्स पसंद है, तो आप कोई से भी डाल सकते हैं। तो मैंने ना यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स में पिस्ता ऐड नहीं करा है, क्योंकि लड्डू ना अगर जैसे पिस्ता ऐड करते हैं तो थोड़े से नमकीन फ्लेवर का टेस्ट दे देते हैं। मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ काजू और बादाम लिया है। आप चाहे तो जो अखरोट होता है या छुआरा या फिर मतलब कुछ भी आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमको क्या करना है ना, बिल्कुल हल्का सा घी लेना है, एकदम घी ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि हम इसमें भर भर कर गुड़ वगैरह डाल रहे हैं। तो ये हो सकता है कि काफ़ी लोगों को सर्दियों में जैसे पसते नहीं है, गर्म हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने घी एकदम आधी चम्मच के करीबन लिया था। और इसको हल्का सा मेल्ट करने के बाद ही इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स डाले हैं। और उसके बाद ना इसको बिल्कुल कम घी में ही आपको अच्छी तरीके से एकदम क्रिस्पी होने तक सारे ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से भून लेना है। और जब ये सारे भून जाए तो इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। उसके बाद इसी सेम पैन में मैंने यहाँ पर डाला है 1 कप के करीबन सफ़ेद तिल। साथ के साथ सौंफ का फ्लेवर ना गुड़ में बहुत अच्छा आता है, मतलब कुछ भी जैसे गुड़ के गुलगुले बनते हैं या फिर हम पुए बनाते हैं, उसके साथ ना सौंफ बहुत अच्छा जाता है। इसलिए आप इस लड्डू में भी ना इसको ज़रूर से ऐड करना। तो 1 चम्मच मैंने सौंफ डाला है, ताकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाए। और घी मैंने एक्स्ट्रा नहीं डाला था, उसी सेम पैन में ही मतलब बचे हुए जो घी होगा उसी में मैंने इसको भून लिया है। अब हम इसे अच्छी तरीके से साइड कर देंगे निकाल करके, और दोनों को मतलब ड्राई फ्रूट और तिल को अच्छे से ठंडा होने देंगे पहले। उसके बाद दोनों को ना मैंने अलग अलग पीस लिया है, मतलब ड्राई फ्रूट्स का जो चूरा है वो अलग है और तिल और सौंफ का चूरा अलग है। बस आपको दोनों को पीसते टाइम ये ध्यान रखना है कि जब आप इसे ग्राइंड करें ना, तो ये रूम टेम्परेचर पे हो, क्योंकि अगर आप एकदम गर्मा गर्म इसको डायरेक्ट पीस देंगे ना, तो मिक्सी का जार बहुत बार ऐसा होता है ना कि जो आप ऊपर से बंद करते हैं तो कैप जब मतलब आप पीस देते हैं ना, तो कैप खुलने में दिक्कत होती है, क्योंकि वो गर्मी से ही गैस बना देता है। तो अब क्या करेंगे, दोनों चीज़ें रेडी हो चुकी है। अब सेम पैन लेंगे, उसमें वापस से आधी चम्मच घी डालेंगे, क्योंकि
जब भी आप गुड़ की चाशनी बनाए ना, उससे पहले आपको पैन या मतलब जिसमें भी आप बना रहे हैं ना, उसमें हल्का सा उसकी सतह पर ना घी डालना ज़रूरी है। इससे क्या होता है, जो आप मतलब गुड़ की चाशनी बनाते हैं ना, तो गुड़ की चाशनी कभी भी ना गाढ़ी नहीं होती, या मतलब ज़्यादा ना मतलब जिसे बोलते हैं ना जम जाना, जमती कभी नहीं है। उसके लिए आपको चाशनी बनाने से पहले बस थोड़ा सा घी आपको सतह पर ज़रूर लगाना चाहिए। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे ना, गुड़ को मेल्ट कर लेंगे। तो गुड़ को मेल्ट होने में ना इसलिए आसानी हो जाती है जब आप उसको पीसेस में डालते हैं, क्योंकि अगर आप जब छोटे छोटे पीसेस करके डाल देते हैं ना, तो वो एकदम जैसी पैन गर्म होने पड़ता है ना, वो वापस से एकदम मतलब ना मेल्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। और वही आप एक बड़ा सा पीस डाल देते हैं ना, तो वो बिल्कुल अच्छे से मेल्ट नहीं हो पाता है। तो अब मैंने इसी तरीके से इसको नॉर्मली मेल्ट करने के लिए रख दिया है। तो आप इसी तरीके से नॉर्मली चलाते रहिए, फिर रोक दीजिए, चलाते रहिए, मतलब इसी प्रोसेस को दोहराइए। 5 से 7 मिनट में आपकी पूरी प्रॉपर जो चाशनी है गुड़ की, वो एकदम रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, ये पूरे गुड़ जो है अच्छे से मेल्ट हो चुका है और एकदम पतली सी चाशनी बन चुकी है। तो इस मेज़रमेंट में मैंने यहाँ पर 1 कप तिल, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स यानी कि 1.5 कप के करीबन ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। इन सब का जो पाउडर है, मतलब हल्का दरदरा पाउडर रखा है, एकदम फाइन पाउडर नहीं रखा है, जिससे क्या है, जब आप लड्डू खाएंगे ना, तो ड्राई फ्रूट का क्रंच भी आएगा, सौंफ का फ्लेवर भी आएगा, और साथ के साथ ड्राई फ्रूट्स भी मुंह पर आते रहेंगे। अब इसमें टेस्ट के लिए मैंने डाला है इलायची पाउडर। तो इलायची पाउडर डालने में आपको ये ध्यान रखना है कि आप एकदम फ्रेश वाली, मतलब जिसमें एकदम खुशबू होती है ना, फ्रेश वाली इलायची पाउडर डालें, जो एकदम ग्रीन होता है। नहीं तो नॉर्मली जो होता है ना, जैसे हमें पैकेट में मिल जाता है, तो वो ना वाइट होता है, तो उसमें ज़्यादा जो है खुशबू नहीं होती है इलायची की। तो हमेशा से जब भी इलायची पाउडर लें, एकदम फ्रेश वाली लें, जो एकदम ग्रीन पाउडर होता है इलायची का। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे ना, इन सबको डाल करके ना अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये एकदम मतलब 3 से 4 इंग्रेडिएंट्स हैं बस, जिसको आपको अच्छी तरीके से मेज़र करके मिक्स कर लेना है। और जैसे ही आप इसको मिक्स करके मतलब रेडी करते हैं ना, उतने में ये एक डो बनना लग जाता है। मतलब जैसे ये डो फॉर्म ले ले ना 7 से 8 मिनट बाद, तो ये आपके लड्डू का जो मिश्रण है वो एकदम रेडी हो गया है। बस आपको कुछ नहीं करना है, अब जो ये स्पैचुला है ना, इससे आप मटेरियल निकाल लें, इसमें हाथ ना लगाएं, क्योंकि ये काफ़ी गर्म होगा, तो गुड़ के चक्कर में ना ये हाथ पे चिपक जाता है, क्योंकि गुड़ को आपने देखा है, गुड़ जैसे ही गर्म होता है ना, हाथ पे चिपकने लग जाता है और काफ़ी मतलब जला देता है हाथ को, तो इसलिए इसमें हाथ ना लगाएं। अब इसको हम निकाल लेंगे प्लेट में, और प्लेट को ना पहले पंखे के नीचे रहने दीजिए, और जब ये थोड़ा सा मतलब रूम टेम्परेचर पे आ जाए ना, रूम टेम्परेचर मतलब कि जिसमें आप मतलब हाथ में लड्डू बनाने लग जाएं, तो बस मतलब जब आप इस मटेरियल को हाथ में पकड़ सकते हैं, इतना ही है। मतलब जब हल्का गर्म हो, ज़्यादा ठंडा भी ना करें, नहीं तो जो लड्डू है ना, इसके अच्छे नहीं बनेंगे। तो हल्का गर्म मतलब एक तरीके से गुनगुने फॉर्म में जब ये हो ना, तो उसको निकाल करके पहले इसके जो मिश्रण है, अच्छी तरीके से टाइट हाथ से डो फॉर्म में इसको मिक्स करें। उसके बाद ना एकदम थोड़ा थोड़ा सा मिश्रण लेकर के गोल गोल लड्डू बना लें। अगर आपको लड्डू नहीं बनाने ना, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको मतलब पूरा ना प्लेट में फैला लें ऑयल से ग्रीस करके, और मटेरियल को बर्फी वाला शेप दे दें, और बाद में इसके पीसेस कट कर लें, तो आप लड्डू की जगह पर बर्फी भी बना सकते हैं। तो डेली के डेली रोजाना आप 1 बर्फी भी खाएंगे ना, तो आपकी मतलब सर्दी खांसी दूर, और एकदम ड्राई फ्रूट वाले लड्डू जो कि आपको ठंड से भी बचाएंगे, और मतलब चाहे तो लड्डू चाहे तो बर्फी, आप कुछ भी बना ले, सेम टेस्ट है, दोनों एकदम परफेक्ट जाते हैं, चाहे लड्डू बने चाहे बर्फी बने। तो यहाँ पर देखिए, खूब सारे लड्डू हमारे हो गए हैं रेडी। तो मैंने बिल्कुल बेसिक सी चीज़ों से इतने खूब सारे टेस्टी वाले लड्डू रेडी कर दिए हैं एकदम प्लेट भर के। रोज़ाना आप 1 लड्डू खाएंगे ना, तो आपको पूरी ताकत मिलेगी। और टेक्सचर देखिए कितना सॉफ्ट है, मतलब मुंह में डालेंगे ना जैसी वैसी घुल जाएगा। तो अब तो मैं इसको डेली के डेली 1 लड्डू खाने वाली हूँ, जिससे मुझे ताकत भी मिलेगी और मेरे को सर्दी से भी इसको बचना हो जाएगा, क्योंकि इसमें तिल भी है। तो सारी जो गर्मा गर्म चीज़ें हैं ना, जिससे बॉडी एकदम गर्म रहे, तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें भरपूर हैं। तो आप इसे बना करके रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ना स्टील का डब्बा ले लिया है, जैसे देखा है ना आपने नाटकों में कि ऐसे किसी की दादी मम्मी बाहर अमेरिका या फिर दूर कंट्री में भी लड्डू बना करके भेज देती हैं। तो ये गोंद के लड्डू तो नहीं है, लेकिन हाँ ये ड्राई फ्रूट वाले लड्डू भी हैं। तो आप इसे ना एक बार से ज़रूर ट्राई करना,
तो मैंने यहाँ पर देखिए पूरा डब्बा भर दिया है, और मेरा पूरा डब्बा भर चुका है एकदम बेसिक सी चीज़ों से। और ये लड्डू ना काफ़ी टेस्टी है, मतलब एक बार में मैं 3 से 4 तो उड़ा ही लूँगी। बस मुझे इस लड्डू को अपने मतलब सभी लोगों से बचा करके छुपा के रखना होगा, नहीं तो मैं जब भी बनाती हूँ ना ये तो ख़त्म ही हो जाते हैं। तो बस मेरे लड्डू हो गए हैं रेडी। आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे कहने से ना एक बार ट्राई ज़रूर करना और कॉमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।